क्या आप जानते हैं, जब भगवान रामचंद्र जी रावण को मारकर अयोध्या वापस आए थे तो सबसे पहले उन्होंने अपनी माता कौशल्या को प्रणाम नहीं किया था, बल्कि उनको प्रणाम किया जिनकी वजह से वो वनवास गए थे, केकई। क्योंकि उनको ये पता था कि अगर केकई ने उनको वनवास नहीं दिया होता तो सुग्रीव जैसा दोस्त नहीं मिलता, हनुमान जैसा भक्त नहीं मिलता और रावण जैसा दुश्मन नहीं मिलता, जिसको मारकर आज दुनिया में उनकी जय जयकार हो रही है। इसलिए ये जो बुरा वक्त है ना, ये हमारी केकई को दर्शाता है। इसलिए बुरा वक्त आता है ना, तो वो हमें किसी अच्छी चीज को सिखाने के लिए आता है। बुरे वक्त में ही हम अच्छे दोस्त की पहचान करते हैं, बुरे वक्त में ही हमारा कौन अपना है, कौन पराया है, कौन दुश्मन है। इसलिए बुरे वक्त से कभी घबराओ मत, बुरा वक्त हमेशा सिखाकर और बहुत आगे तक लेकर जाता है।